लोकसभा पलामू। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। पलामू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से एक सीट है। आपको बता दें कि साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, तब तक पलामू भी बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इस जिले का मुख्यालय मेदिनीनगर है, इसे डाल्टनगंज के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि 17वीं सदी में चेरो राजा का यहाँ पर शासन था और चेरो राजा अनंत राय ने यहाँ पर लंबे समय तक राज किया। पलामू में जहाँ एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, तो वहीं ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों को देखने का भी आप आनंद ले सकते हैं। बताया जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे और उस वक्त भीम यहीं पर भोजन बनाया करते थे। अब इस सीट के इतिहास पर नजर डालते हैं। इस सीट पर आजादी के बाद देश में हुए पहले और दूसरे चुनाव में कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने जीत हासिल की। 1962 में इस सीट पर स्वतंत्र पार्टी के शशांक मंजरी चुनाव जीते। 1967 और 1971 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर कमला कुमारी जीती। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर रामदेनी राम जीते। हालांकि 1980 और 1984 में एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया और कमला कुमारी चुनाव जीती। 1989 में ये सीट जनता दल के खाते में गई और जोरावर राम सांसद बने। 1991 में बीजेपी के टिकट पर रामदेव राव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 1996, 1998 और 1999 में भी इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा और बीजेपी के टिकट पर ब्रजमोहन राम चुनाव जीते। 2004 में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मनोज कुमार और 2006 के उपचुनाव में आरजेडी के ही टिकट पर घुरन राम चुनाव जीते। 2009 में ये सीट जेएमएम के खाते में गई और कामेश्वर बैठा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जबकि 2014 के मोदी लहर में ये सीट बीजेपी के खाते में गई और विष्णु दयाल राम जीत कर सांसद पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विष्णु दयाल राम ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि पलामू लोकसभा सीट के अंतर्गत पलामू और गढ़वा जिले की कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस जिले की कौन सी विधानसभा सीटें पलामू लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। लोकसभा क्षेत्र पलामू, जिला पलामू, विधानसभा डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर एसी और हुसैनाबाद। जिला गढ़वा, विधानसभा गढ़वा और भवनाथपुर। 2019 के लोकसभा चुनाव में पलामू सीट पर बीजेपी कैंडिडेट विष्णु दयाल राम ने बंपर मार्जिन से जीत हासिल की थी। विष्णु दयाल राम को 7,55,659 वोट हासिल किया था। वहीं दूसरे स्थान पर रहे आरजेडी कैंडिडेट घुरन राम ने 2,78,053 वोट हासिल किया था, लेकिन बीएसपी कैंडिडेट अंजना भुइया ने 53,597 वोट हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया था। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दयाल राम को 4,76,513 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के मनोज कुमार 2,12,571 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं जेवीएम के घुरन राम 1,56,832 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो जेएमएम के कामेश्वर बैठा ने 1,67,995 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं आरजेडी के घोरन राम 1,44,457 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे, जबकि जेवीएम के प्रभात कुमार को 90,206 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो आरजेडी के मनोज कुमार ने 2,06,733 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बीजेपी के ब्रजमोहन राम 1,51,589 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे, जबकि जेडीयू के राधा कृष्ण किशोर को 1,06,725 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पलामू सीट से विष्णु दयाल राम को ही टिकट दिया है। पिछली बार विष्णु दयाल राम ने बड़े मार्जिन से पलामू सीट पर जीत हासिल की थी। अब ये देखना अहम होगा कि क्या इस बार भी विष्णु दयाल राम अपनी जीत की पहली मार्जिन को कामयाब रख पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।